हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की सफलता की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने एफएमसीजी के सारे नियम ही बदल डाले। इस शख्स ने जैसे क्रांति लाकर पूरे बिजनेस के क्षेत्र में तहलका ही मचा दिया। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत 15,000 रुपए की एक मामूली रकम से की और आज इनका सालाना टर्नओवर 1100 करोड़ के पार है। लेकिन सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं था। कठिन संघर्ष, कड़ी मेहनत और कुछ नया करने की चाह में आज ये बिजनेस जगत के एक जाने माने टाइकून बन बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केविन केयर के सीईओ सीके रंगनाथन की। रंगनाथन के सफर की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से शहर कडलोर से हुई। एक बेहद ही गरीब किसान परिवार में पैदा लिए रंगनाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पिता से ही प्राप्त की। रंगनाथन पढ़ाई में कमजोर थे, इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि वह या तो खेती करे या फिर बिजनेस। रंगनाथन का एक और शौक था, वो ये कि उन्हें पालतू जानवर और पक्षी पालने का बेहद शौक था। जब वो 5वीं में थे तब उनके पास 500 कबूतर, बहुत तरह की मछलियाँ और विभिन्न प्रजाति के पक्षी हुआ करते थे। अपने इस शौक के बिजनेस से मिली पूंजी से वह अपना बिजनेस करना चाहते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह कॉलेज में थे। पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई और फिर उन्होंने अपने पालतू जीवों को बेचकर शैम्पू बनाने का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरुआती दिनों में उनका कारोबार सही से नहीं चला। फिर उन्होंने अपने भाई के वेलवेट शैम्पू कारोबार में काम किया। लेकिन रंगनाथन शुरू से ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसी चाह की बदौलत उन्होंने एक बार फिर नए तरीके से बिजनेस की शुरुआत की और फिर चिक इंडिया की शुरुआत हुई। शुरुआत में कंपनी केवल शैम्पू ही बनाती थी और अपने प्रोडक्ट को गांव और छोटे मोटे शहरों में बेचा करती थी। उन्होंने शैम्पू के पाउच की कीमत केवल 2 रुपए रखी। कम पैसों में गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट बेचकर उन्होंने काफी कम समय में लोगों का दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर केविन केयर रख दिया और साथ ही साथ उसमें सौंदर्य प्रसाधनों को भी शामिल करके अपने कारोबार का विस्तार किया। अपने पिता को अपना सब कुछ मानने वाले रंगनाथन ने अपनी कंपनी को श्रद्धांजलि के रूप में अपने पिता को समर्पित किया। केविन केयर नाम का अर्थ है प्राचीन सौंदर्यता और निखार। शुरुआती सफलता के बाद रंगनाथन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका अगला कदम फूलों की खुशबू वाले प्राकृतिक इत्र की ओर था। गुलाब और चमेली के फ्रेग्रेंस को लोगों ने काफी पसंद किया। 30 लाख पाउच रोज की सुगंधित इत्र की बिक्री हुई और कंपनी मिलियन डॉलर के क्लब में शामिल हो गई। आज चिक देश का दूसरा सबसे बड़ा शैम्पू ब्रांड है। क्लिनिक प्लस के बाद ये आता है। इसके बाद रंगनाथन ने आचार के पाउच, नाइल हर्बल शैम्पू, मेरा हेयर वॉश पाउडर, फॉरएवर क्रीम और इंडिका हेयर कलरिंग ऐसे बहुत सारे ब्रांड मार्केट में लाए और सभी सफल भी हुए। रंगनाथन रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, आधे घंटे तक स्विमिंग करते हैं, अपना कुछ समय वो बच्चों को देते हैं और केवल मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय वे अपनी कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद इनकी कंपनी ने टेक्स नामक टॉयलेट क्लीनर बाजार में लॉन्च किया और वह भी पाउच में। केविन केयर ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से पैकेजिंग की जाती है। तमिलनाडु में टेक्स टॉयलेट क्लीनर बहुत ही पॉपुलर है। उनका अगला ध्येय कंपनी को विश्व स्तर तक पहुंचाना है। उनकी सफलता के राज है उनका टीम वर्क, नए नए आविष्कार और उन्हें अपने प्रोडक्ट में शामिल करने का हुनर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।